ओमेगा वन से हमने डाउनलोड किया, तो इसका ये पासवर्ड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं पासवर्ड मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ, ये वही पासवर्ड है जो मैंने कॉपी किया है और ये पासवर्ड लग चुका है। अब दोस्तों ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट तो हो गया है, इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अंदर आपको फोल्डर में एक और पासवर्ड मिल रहा है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, सीधा दूसरे लिंक तो डाउनलोड कर लो, ओपन करना है, ओपन करेंगे दूसरे तो कर सो तो ओरिजिनल होना भी अपनी साइड यस का पेज आएगा, आपने उसको यस कर देना। नहीं ये पहले तो कीता एक पासवर्ड देता और एक और तो इसको नहीं मैं देता कीता मैं बलोका हां तू तो दोगे एक कोई पासवर्ड लाया साडे को एक नहीं लगदा ये जो हमने कहीं ये वजह चावल हमने पूरी वीडियो नहीं लिया है इसको हमने यहां पे लगा देना है। अभी आप देखेंगे जैसे इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों इसका जो आइकन है वो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रूट रिक्वायर्ड, कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप जो डाइव मोड होता है उसके ऊपर करने लगे तो आपको फोन कह देता है या ये टूल जो है वो कह देते हैं कि आपका फोन रूटेड नहीं है, तो ये ऐसी उन्होंने तो हम इसको पहले डिलीट कर लेंगे अपने डाइव मोड पे लाने के लिए, रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों क्योंकि MI का तो मैंने सारा आपको बता दिया है तकरीबन, ये जर्नल वाला ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ आज ग्रामरली जाना सारे दिन इतने मोटिया मेला विखाण लग पा कोई इन्होंने हैक ना कर लग बल्कि हैकर तो जरूरत ही ना पवे हैक करने की उतना आइडिया उठिया विखाण लग पा ऐसे भी करिए बात ग्रामरली मोबाइल आज बकवास आई मैं कट से हेलो यहाँ पे वही डाइग जो है वो आप रूट करके कर सकते हैं, विदाउट रूट के आप नहीं इसको डाइग मोड पे ला सकते। उसके बाद यहाँ पे FRP ADB के जरिए, उसके बाद LG का आपको पता होगा वाईफाई, अक्सर ब्लूटूथ और वाईफाई में मसला आया रहता है वो ऑन नहीं होता, तो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन लॉक जो है उसके लिए रूट की जरूरत नहीं है, बस आपने क्लिक करनी है और स्क्रीन लॉक ख़त्म हो जाना है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम UI इसको भी रूट की ज़रूरत नहीं है, रिस्टोर कर सकते हैं आप। और यहाँ पे रिकॉर्डर जो है वो ADB मोड के ऊपर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं दोस्तों, सपोर्ट करना तो बनता है इनका। उसके बाद रिमूव ऐप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंट, वेरिजोन, डी मोबाइल, AT&T, अमेजोन वगैरह वगैरह, जो मोबाइलों में इन कंपनियों की अपनी एप्लीकेशन होती हैं जो कि हमने इंस्टॉल तो ज़बरदस्ती करनी होती हैं जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो खुद ही आ जाती हैं, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन के फोल्डर में जाएं तो वो वहाँ से अन इंस्टॉल नहीं होना शुरू हो गई मैं और यहाँ पर
उसके बाद इसके आगे आ जाता है गूगल सर्विसेज, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फिक्स हैंड फ्री, सैमसंग, एचटीसी और ये हैंड फ्री का ऑप्शन आ जाता है मोबाइल के ऊपर। तो ये फिक्स यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्लिक के ऊपर फिक्स कर देगा। दोस्तों ये वर्क करता है या नहीं इसका अभी मैंने टेस्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वर्क भी करेंगे और करते होंगे तो इनको ट्राई भी करेंगे और बाद में आपको वीडियो भी मिलेंगी इसके ऊपर। और अब हम चले जाते हैं क्वालकॉम के ऊपर। क्वालकॉम में हमें क्या मिलता है जी? फैक्ट्री फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट फैक्ट्री। उसके बाद वायर यूजर डाटा, रिमूव ओप्पो अकाउंट, उसके बाद रिमूव FRP, रिमूव वीवो अकाउंट, रिमूव असूस FRP, उसके बाद डिटेक्ट अनलॉक, उसके बाद नेक्स्ट जो है रिमूव मेजू अकाउंट और रिमूव लॉक अकाउंट। ये आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे, जो मेन हमारे सबसे ज़्यादा ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद EFS को भी आप रिसेट कर सकते हैं और मोबाइलों की जो बेस बैंड ऑन हो जाती है Xiaomi, Redmi के, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स बेस बैंड अनोन Xiaomi, उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यूजर डाटा FRP में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मॉडल मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। मैं वीडियो का बड़ा ग्रह कर हमारे पास नहीं चलते, लेकिन ये थैंक पे नजर ऑन लिया था जिसका नेट चढ़नी थी, वो आप देख सकते हैं यहां पे। ये जैकी के हैं पर इनका भी आप FRP तो उधर उधर विच HDMI लाओ कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारा जत होनी है ऑप्शन मिलती है और ये आपको रिमूव करने की ऑप्शन FRP के लिए मिलती है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं फास्ट बूट मोड के ऊपर। हमको क्या मिलेगा यहां पे? हमको मिलता है जी लिनोवो का FRP। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मॉडल देख सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें मॉडल ऐड किए हुए हैं और दोस्तों फ्री में आप देख सकते हैं इतने सारे मॉडल नहीं है। और जितने तक नहीं आ गए डेढ़ सौ इधर पेन बसाना जितना के साथ छेड़िया कि ये उम्मीद आई दस दे मशहूरी कौन कौन सा मॉडल इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो फर्ज करें आपके पास कोई एंड्रॉयड लॉलीपॉप यानी 5.0 वाला कोई FRP रिमूव करवाने के लिए कस्टमर आए तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना जो FRP है रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद 6.07 इसी तरह ये तीन एंड्रॉयड वर्जन इन्होंने दिए हुए हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे तो देखेंगे आप HTC के मॉडल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप HTC के भी देख सकते हैं अच्छे खासे मॉडल ऐड किए हुए हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये टूल बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं।
Thank you.